हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए जो बोरो करने का टारगेट था उसका, वो उसमें से 10,000 करोड़ कम बोरो करेंगे। अभी कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कब बोलेंगे कि भाई वो 10,000 करोड़ कम बोरो करेगी? तो जब गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेक्टेशन से 10,000 करोड़ ज़्यादा आएगी, तब उसको मार्केट से कम बोरो करना पड़ेगा ना, राइट? तो गवर्नमेंट का इनफ टैक्स कलेक्शन हुआ होगा, तभी गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि भाई वो मार्केट से 10,000 करोड़ कम इस बार बोरो करेगी फाइनेंशियल 2023 के अंदर, राइट? तो ये न्यूज़ को समझने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट फाइनेंशियल 2023 के अंदर कितना बोरो करने वाली थी, राइट? गवर्नमेंट इन बजट 2023 प्रोजेक्टेड अ ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ 14.31 लाख करोड़, और उसमें से गवर्नमेंट ने अभी टारगेट कितना कर दिया है, 14.21 लाख करोड़, मतलब 10,000 करोड़ कम कर दिया है। और उसमें से 5.92 लाख करोड़ जो 14.7% है वो बोरो किया जाएगा सेकेंड हाफ़ के अंदर। बाकी का पैसा ऑलरेडी बोरो किया गया है, लेकिन जो 5.92 लाख करोड़ का जो अभी भी लिमिट बाकी है, अगर हम 14.21 लाख करोड़ लिमिट पकड़ के चले तो, राइट, तो अभी भी 41.7% जो बोरोइंग का टारगेट है वो सेकेंड हाफ़ के अंदर है, राइट? ओके, और उसमें से गवर्नमेंट 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी लॉन्च करने वाला है। मतलब गवर्नमेंट के पास जो इतना एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड मतलब आपको पता है ना फ्रेंड्स कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब वो बॉन्ड इशू करता है, राइट? और एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, मतलब इस बॉन्ड के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट कहाँ पर यूज़ करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और ये कितने का अमाउंट है, 16,000 करोड़, राइट? गवर्नमेंट कितने कितने साल के बॉन्ड्स इशू करने वाली है, तो कि 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 14 ईयर्स का, 13 ईयर, 30 ईयर्स का, 40 ईयर्स का, बराबर ना? मतलब 2 से लेकर 40 साल का वो बॉन्ड इशू करने वाली है, राइट? और इसके ऊपर कितने कितने इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने वाली है वो भी आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट था कि भाई फाइनेंशियल 2023 के अंदर वो कितना बोरो करने वाली थी, 14.31 लाख करोड़, उसमें से वो सेकेंड हाफ के अंदर अभी भी 14.7% बाकी है। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई फाइनेंशियल 2023 के अंदर गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली थी, 14.31 लाख करोड़, और उसमें से अभी 10,000 करोड़ कम कर दिया है, मतलब अभी उसका टारगेट है 14.21 लाख करोड़, राइट? 10,000 करोड़ कम कर दिया है और अभी भी उसमें से 5.92 लाख करोड़ बोरो करना बाकी है, राइट? और उसमें गवर्नमेंट 16,000 करोड़ के तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने वाली है। ओके फ्रेंड्स, और अभी ये न्यूज़ रिसेंट में क्यों आई, क्योंकि अभी यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 7 फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर 2022, टू सपोर्ट द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर द फोर्थ कमिंग मेजर फेस्टिवल्स लाइक द नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, राइट? तो ये फेस्टिवल्स के दौरान जो पुअर पीपल है, वनरेबल पीपल है, वरना उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका जो फेज 7 है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है 3 महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट का एडिशनल कितना खर्चा होने वाला है, 44,762 करोड़। ये गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि स्कीम तो ये सितंबर महीने तक की ही थी, बराबर ना? लेकिन ये अक्टूबर से दिसंबर, ये 3 महीना एक्सटेंड करना पड़ा ड्यू टू दिस फेस्टिवल सीजन और टू सपोर्ट द वल्नरेबल पीपल, राइट? तो इसके लिए गवर्नमेंट का एडिशनल 44,762 करोड़ रुपीज़ खर्च होने वाला है, राइट? लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो 44,762 करोड़ जो एडिशनल खर्च होने वाला है उसको मेयर करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास इनफ टैक्स है, इनफ टैक्स कलेक्शन है, बराबर ना? तो इस बार टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है जो हमारे एक्सपेंसेस को ओवरकम कर रहा है, राइट? तो गवर्नमेंट इसके लिए ये टारगेट, ये 44,000 करोड़ एडिशनल खर्चा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने बोरोइंग का टारगेट 10,000 करोड़ रुपीज़ कम कर दिया है, राइट फ्रेंड्स? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई
सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 2023 के लिए कितना बोरिंग का टारगेट रखा था? 14.31 लाख करोड़। कितना कम कर दिया? 10,000 करोड़। अभी कितना है? 14.21 लाख करोड़। राइट, ओके। और उसमें से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से गवर्नमेंट कितना रेस करने वाली है? 16,000 करोड़। बराबर ना? ओके। उसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसका जो फेज 7 है उसको अभी 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। उसका एडिशनल खर्चा कितना होने वाला है? 44,762 करोड़। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इस बार हमारा टैक्स कलेक्शन इनफ है, सो हम बोरिंग का टारगेट और कम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और ये सेकेंड न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाइक किया है इंटरेस्ट रेट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द क्वार्टर 3 ऑफ द फाइनेंशियल 2023। बराबर ना? तो आपको पता है कि भाई स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स पहले तो क्या है, तो टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। कितनी फ्रेंड्स? 12। टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। और ये 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन सी होती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो वो स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम कहलाई जाती है। राइट, टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर। और ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और हर एक क्वार्टर के अंदर ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ किया जाता है। अगर एज इट इज़ रखना है तो एज इट इज़, अगर बढ़ाना कटाना है तो हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक क्वार्टर की शुरुआत के अंदर 3 महीने के लिए ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ किया जाता है। तो ये क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2022 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताया गया है। सिंपल, टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर, यहाँ पे टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में मैंने आपको ये टेबल रिविजन किया है। उसमें से 12 में से 5 स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया गया है, बढ़ाया गया है, और बाकी के 7 की इंटरेस्ट रेट को एज इट इज़ रखा गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 12 की 12 स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया गया अभी? 7%, जो पहले कितना था? 6.90%। यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि भाई 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया है। 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कब किया जाता है? जब पहले 6.90 था, पहले 6.90% हुआ होगा, अब और अभी 10 बेसिस पॉइंट इसमें इंक्रीज़ कर दिया है, मतलब अभी 7% हो गया है। किसान विकास पत्र का पहले मैच्योरिटी पीरियड 124 मंथ था, अभी कितना कर दिया है? 123 मंथ कर दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको किसान विकास पत्र के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम कितना पैसा सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,000 रुपीज़। बराबर ना? ओके। उसके अलावा 2 साल की जो FD है, बराबर ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आप FD मतलब टाइम डिपॉजिट ओपन करवाते हो तो उसका भी 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीमेंट हुआ है इंटरेस्ट रेट के अंदर। पहले 5.50% था, अभी 5.70% कर दिया है। राइट, उसमें भी अगर आपको FD ओपन करवानी है आपको मिनिमम 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 3 साल की FD के अंदर 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीमेंट हुआ है, 5.80% इंटरेस्ट रेट हो गया है। राइट, उसमें भी मिनिमम 1,000 रुपीज़ चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अंदर 20 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और अभी उसका रेट 7.60% हो गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंदर। राइट, और उसमें भी आपको मिनिमम 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है। मंथली इनकम अकाउंट मतलब ये जो MIS स्कीम है, अगर आपने नाम सुना हो तो, मंथली इनकम स्कीम MIS, बराबर ना? MIS के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप रिटायर होने वाले हैं, मतलब आप रिटायरमेंट के बाद आपका जो पेंशन का बहुत सारा अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है। राइट, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस आने वाले हैं। तो 50 लाख रुपीस आप इस स्कीम के अंदर डाल सकते हो। और ये स्कीम कैसे काम करेगी कि आपने 50 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए डाले तो आपका प्रिंसिपल तो 50 लाख है। राइट, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। राइट, ये मंथली इनकम अकाउंट है। राइट, तो उसके इंटरेस्ट रेट के अंदर भी अभी 10 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और अभी 6.70% हो गया है। राइट, उसमें भी आपको मिनिमम 1,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। राइट, तो ये 5 स्कीम के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी 7 स्कीम के अंदर एज इट इज़ रखा गया है इंटरेस्ट रेट। राइट, उसके अलावा जो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर उसके ऊपर 4% मिलता है,
एक साल की एफडी के लिए 5.50%, 5 साल की एफडी के लिए 6.70%, 5 साल की रिकरिंग के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 5.80%। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSE के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, 6.80%, 6.80%। और उसमें भी आपको 1000 रुपीज़ मिनिमम करना पड़ता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर 7.10%, उसमें 500 रुपीज़ मिनिमम आपको करना पड़ता है डिपॉजिट। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जिसके ऊपर आपको 7.60%, जिसका मेच्योरिटी पीरियड देखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का है और सुकन्या समृद्धि का 21 साल का है। और उसके अंदर कितना मिल रहा है आपको, कितना मिनिमम करना है, 250 रुपीज़, बराबर ना, 250 रुपीज़। ओके, तो देखो टोटल 12 स्कीम है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट चलता है, तो कि 7.60%, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट है, जो अभी तक वो अकेला था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर भी 7.60% मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 21 ईयर्स। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 15 साल, बराबर ना। और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है, 7.10%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 साल, और उसके ऊपर 6.80%, बराबर ना। उसके अलावा ये किसान विकास पत्र का मेच्योरिटी पीरियड है 123 मंथ, जो पहले 124 था, एक महीना कम कर दिया गया है, और उसके ऊपर 7% मिल रहा है, राइट। और MIS के ऊपर 6.70%। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डिसाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, चलो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूँ तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारामन, राइट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के, तो पंकज चौधरी, डॉक्टर भागवत किशन राव, यस। तो ये दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, निर्मला सीतारामन। ओके फ्रेंड्स, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो 7385 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करेगी, कहाँ पे, अंडर द फंड ऑफ द फंड स्कीम फॉर द स्टार्टअप इंडिया, राइट। तो ये फंड ऑफ द फंड स्कीम फॉर द स्टार्टअप के अंदर गवर्नमेंट कितना स्पेंड करने वाली है, 7385 करोड़, राइट। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कमिटमेंट आया है। अब ये फंड ऑफ द फंड स्कीम फॉर द स्टार्टअप क्या है उसके बारे में देखते हैं, बराबर ना। ओके, देखो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इंट्रोड्यूस किया था फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, 2016 के अंदर, उसके अंदर एक फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप्स इंट्रोड्यूस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, राइट। पर ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जब 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, और उसके अंदर जब ये फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप लॉन्च किया गया था, तब उसका इनिशियल कॉर्पस कितना रखा गया था, उस फंड के अंदर कितना पैसा डाला गया था, 10,000 करोड़ रुपीज़, राइट। और ये जो फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप है उसको एडमिनिस्टर, उसका जो उसके ऊपर जो देख रेख कौन रखता है इस फंड के ऊपर, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, क्योंकि आपको पता ही है कि स्टार्टअप मतलब नॉर्मली MSME के अंदर आती है, राइट। मतलब छोटे लेवल पे होती है शुरुआत के अंदर, तो इसकी देख रेख, उसके अंदर पैसा डालना वगैरह कौन करता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, SIDBI करता है, राइट। और ये जो 10,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था इस फंड के अंदर, तो ये गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि भाई ये जो 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन, अभी 14th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड क्या था, 2016 से 2020 तक का, और 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड क्या है, 2021 से लेकर 2025 तक था। मतलब ये 10,000 करोड़ फंड ऑफ द फंड्स फॉर द स्टार्टअप के अंदर जो डाले गए थे वो कितने साल तक यूज़ करने थे, 10 साल तक यूज़ करने थे, राइट। और इसमें से ये जो बजटरी सपोर्ट, ये 10,000 करोड़ जो डाला गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, राइट। तो ये 10,000 करोड़ 2016 के अंदर डाला गया था, और 2025 तक ये 10,000 करोड़ का यूज़ करना था, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था, राइट। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 7385 करोड़ रुपीज़ एडिशनल डालने की बात की है टू सपोर्ट द स्टार्टअप, राइट। और यहाँ पे 7385 करोड़ का क्या किया जाएगा उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक सीन क्या क्रिएट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव
के अंदर में ये फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप ये FFS लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया गया था कि हमने यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस डाले हैं, आपको 2016 से लेके 2025 तक बराबर ना जो भी स्टार्टअप को सपोर्ट करना है वो इस फंड के अंदर से कर सकते हैं। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जब बैंक को स्टार्टअप के लिए लोन देना था बराबर ना, तब SIDBI उसको पैसा देती है बराबर ना। SIDBI कहाँ से पैसा देगी? ये फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप के अंदर में से। और गवर्नमेंट ने अभी इस फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप के अंदर 7,385 करोड़ एडिशनल डाले हैं। और ये 7,385 करोड़ ये फंड के अंदर डाले हैं, तो इसका SIDBI क्या करेगा? तो SIDBI है ना, वो बैंकों को बोलेगा कि भाई आपको है ना ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ये पैसा डालना है कि जो फर्दर स्टार्टअप को मदद करें। देखो फ्रेंड्स, आपको एक मैकेनिज्म के बारे में पता है कि नहीं, कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हो ना, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है, और ये फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करता है। फिर फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि भाई मुझे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो फंड मैनेजर रिन्यूएबल एनर्जी की अलग अलग कंपनीज के शेयर्स के अंदर, उसके बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड पहले डायरेक्टली अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि म्यूचुअल फंड का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है, कि आप म्यूचुअल फंड वाले को बोलेंगे कि भाई मुझे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड वाला जो फंड मैनेजर है वो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एक संस्था होगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा आपका पैसा कि जो फर्दर आपका पैसा स्टार्टअप की कंपनीज के अंदर, उसके बॉन्ड्स के अंदर, उसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये भी ये जो पहले म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करता था, वो अभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है आपका पैसा स्टार्टअप के अंदर। तो भारत के अंदर ऐसे 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर डायरेक्टली SIDBI यहाँ से पैसा डालेगी, ये 7,385 करोड़ रुपीज़, ताकि वो पैसा का यूज़ वो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कर सके, राइट? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 88 है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, राइट? 7,385 करोड़ अभी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, कौन से फंड के अंदर? फंड ऑफ द फंड्स फॉर द स्टार्टअप के अंदर, राइट? ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में लॉन्च किया गया था, 10,000 करोड़ का पहले फंड था, तो 10 साल के लिए 14 और 15 फाइनेंशियल कमीशन का जो टाइम पीरियड था उस दौरान। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा, राइट? तो उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है? 14th रैंक आया है, और इसको टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया है। तो इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि अभी रिसेंटली 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो लॉन्च किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट? और उसमें इंडिया का रैंक आया है 14th, राइट? तो जो इंडिया का रैंक 2015 के अंदर 81st था, 2015 के अंदर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वीपो हर साल लॉन्च करती है उसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था 2015 के अंदर? 81st। और वो इंडिया का रैंक आज 2022 के अंदर कितना है? 40। मतलब हमने 41 प्लेसेस का जंप लगाया है 7 साल के अंदर। इट्स अ ह्यूज थिंग फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और तुर्की का रैंक कौन सा आया है? 37। ये दो एक कंट्री है कि जिन्होंने पहली बार टॉप 40 के अंदर एंट्री की है, राइट? और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, बराबर ना? और उसके अलावा स्विट्जरलैंड ने कंटिन्यूसली 12 साल तक इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप करने वाला कंट्री बनना है, राइट? उसके अलावा सेकेंड नंबर पे US है, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ नंबर पे UK एंड फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड है, बराबर ना? तो आपको टॉप 5 याद रखना है। टॉप पे कौन है? इंडिया का रैंक कौन सा है? इंडिया के अलावा तुर्की क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज वो दोनों पहली बार टॉप 40 के अंदर आए हैं, बराबर ना? यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पहला स्विट्जरलैंड है, सेकेंड US, थर्ड स्वीडन, फोर्थ UK, फिफ्थ नीदरलैंड, और इंडिया का रैंक है 40, बराबर ना? अगर मैं रीजन वाइज बात करूँ तो ऑन द रीजनल फ्रंट
ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया, इंडिया टॉप द चार्ट्स विच इज़ फॉलोड बाई द ईरान जो 53rd नंबर पे है ग्लोबल लेवल पे, इन सेकंड पोजीशन हाँ ईरान, और थर्ड नंबर पे उज़्बेकिस्तान है जो 82nd है वर्ल्ड नंबर पे। अगर मैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की बात करूँ तो सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर इनोवेशन के मामले में इंडिया टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे कौन है ईरान, और थर्ड नंबर पे कौन है उज़्बेकिस्तान, राइट। अगर मैं मिडिल लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करूँ तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर भी इंडिया टॉप पे है, राइट, और उसके अंदर सेकंड नंबर पे वियतनाम है और थर्ड नंबर पे ईरान है, राइट। तो सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर भी इनोवेशन के अंदर इंडिया टॉप पे, और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर भी इनोवेशन के अंदर इंडिया टॉप पे है, राइट। उसके अलावा अगर मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूँ तो इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इज़ होम टू ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। ओके, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2000 के बाद हुआ है और वो उसका अभी रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है, तो वो यूनिकॉर्न कहलाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट। उसके अलावा 2021 के अंदर 40% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितने भी ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड के अंदर हुए हैं वो उसमें से 40% इंडिया के अंदर हुए। तो आप यहीं से भी देख सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर कितना इनोवेशन हुआ है। अगर मैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करूँ तो मिडिल इनकम इकोनॉमीज के अंदर सबसे फास्टेस्ट इनोवेशन परफॉर्मेंस किस रहा है, तो फास्टेस्ट इनोवेशन परफॉर्मेंस रहा है वियतनाम का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का और फिलीपींस का। अगर सबसे मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल सबसे बड़ा जंप किसने मारा है तो वियतनाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और फिलीपींस के द्वारा, बराबर ना। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो इस साल का जो लॉन्च किया गया ये विपो के द्वारा, टोटल 132 इकोनॉमीज का यहाँ पे सर्वे किया गया है। उसके अलावा टोटल 7 पिलर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, पर मतलब 7 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। कौन कौन से? तो इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट, बराबर ना। तो इस 7 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे ये फोकस करके विपो के द्वारा ये इनोवेशन इंडेक्स बनाया गया है। ओके, टोटल 132 इकोनॉमीज का सर्वे किया गया है। ओके, अगर मैं विपो की स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो विपो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 के अंदर। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डेरन टैंग, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर, राइट। तो ये एक ग्लोबल फॉर्म है फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कॉरपोरेशन विद द 193 मेंबर स्टेट्स। विपो के मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 193। उसका काम क्या है? तो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर करना, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, राइट, और एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है, राइट। 193 उसके मेंबर स्टेट्स हैं और उसके अलावा हेडक्वार्टर उसका जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली डिफेंस पब्लिसिटर अंडरटेकिंग्स, जो डिफेंस की जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन्होंने अभी एक टारगेट रखा है कि भाई जो भी डिफेंस पब्लिसिटर अंडरटेकिंग्स जो कंपनी है उनका ये फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर कितना टर्नओवर होगा, 17,000 करोड़ रुपीज़, 17,000 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर का टारगेट रखा गया है, राइट। तो इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि अभी रिसेंटली कि इंडियन मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, उन्होंने अप्रेज किया था द वर्क ऑफ द 7 न्यू डिफेंस पब्लिसिटर अंडरटेकिंग्स टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ द ऑपरेशंस एट अ मीटिंग जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। उस मीटिंग के दौरान आपको फ्रेंड्स पता होगा कि भाई लास्ट ईयर सितंबर महीने के अंदर 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को बंद करके 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एस्टैब्लिश की गई थी, राइट। तो ये 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के वर्क को अप्रेज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि इस 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माध्यम से 70,000 करोड़ का टर्नओवर आएगा फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर, राइट। तो ये इसके 1 साल कंप्लीट हुए इनके ऑपरेशंस के, इसके लिए यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया। ओके,
और ये कौन कौन सी सात डिफेंस फॉर्मेशन अंडरटेकिंग्स हैं कि जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में से बनाया गया था। देखो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है वो फ्रेंड्स उसका मेन काम था जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं ना उसको बनाना, लेकिन वो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहा था, इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यहाँ पे बंद करके राइट उसमें से सात नई नई डिफेंस पब्लिसिटी अंडरटेकिंग्स बनाई गई। राइट वही स्टाफ है लेकिन उनको ये सात कंपनीज के अंदर डिवाइड किया गया, जस्ट सिंपल बराबर ना। तो उन्होंने एक साल के अंदर अच्छा काम किया है और उनका टारगेट जो टर्नओवर का है वो 17,000 करोड़ का यहाँ पे रखा गया है, मतलब 17,000 करोड़ के वो सेल्स करेंगे, ऐसा इस फाइनेंशियल ईयर का उनका टारगेट है एक्चुअली। राइट तो ये सात डिफेंस पब्लिसिटी अंडरटेकिंग्स कौन कौन सी है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो उसमें से एक है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, म्यूनिशंस मतलब जो एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाती हैं बराबर ना, ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाती हैं बराबर। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो मिलिट्री के लिए व्हीकल्स वगैरह बनाती है। राइट एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड जो आर्मी के लिए क्लोथ्स वगैरह डिज़ाइन करती है, इंडिया ऑप्टेन लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये सात नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में से बनाया गया है। आपको जस्ट पता करना है कि सभी सातों सात कंपनीज का हेड क्वार्टर कौन कौन सी जगह पे है। राइट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके अगर मैं बात करूँ कि जो लास्ट ईयर जब ये कंपनीज बनाई गई थी तब उनके अंदर कितना पैसा डाला गया है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021-22 और फाइनेंशियल 2022-23 बराबर ना, ये 2 साल के लिए 2,953 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी वॉज रिलीज टू दिस कंपनीज फॉर द मॉडर्नाइजेशन बराबर ना। तो इनके शेयर्स बाहर निकाले गए हैं 2,953 करोड़ रुपीज़ के बराबर ना, 2 साल के लिए 2021-22 और 2022-23 के लिए बराबर ना। एन एडिशन ऑफ 6,270 करोड़ इज एंटीपिसिटेड टू बी अलोकेटेड टू दिस कंपनीज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 2026-27 बराबर ना, कि 2026-27 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये कंपनी को कितना पैसा दिया जाएगा, 6,270 करोड़ बराबर ना। अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के टारगेट के बारे में बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने टारगेट सेट किया है कि 1.75 लाख करोड़ इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज टर्नओवर बाय 2025 इंक्लूडिंग द 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 2025 तक कितना टारगेट रखा है, कितना टर्नओवर होगा थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज और एरोस्पेस सेक्टर में से 1.75 लाख करोड़ और उसमें से 35,000 करोड़ का था एक्सपोर्ट होगा फ्रेंड्स बराबर ना। तो टारगेट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया 68th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द 2020 2020 के लिए अभी 68th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बराबर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके तो यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं बराबर ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बराबर ना, और ये 68th एडिशन था वो एक नोटेबल चीज़ है फ्रेंड्स बराबर ना। तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द 2020 किसको दिया गया, आशा पारेख जी को। तो क्या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड रिनोन एक्टर आशा पारेख विद द एस्टीम दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 ड्यूरिंग द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2020 सेरेमनी इन द न्यू दिल्ली। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी रिसेंटली जो 68th दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 2020 के लिए वो किनको दिया गया है, आशा पारेख जी को। राइट सी इज़ अ 52nd रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन टू द आर्टिस्ट इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये जो 52nd रेसिपिएंट बने हैं आशा पारेख जी बराबर ना, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। राइट अगर मैं जूरी मेंबर्स के बारे में बात करूँ तो बहुत बार एग्जाम में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये जो नेशनल अवार्ड है प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है, तो ये उनको सिलेक्ट करने के लिए जूरी मेंबर्स जो बैठते हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। तो कौन कौन बैठते हैं जूरी मेंबर्स के अंदर, कौन कौन बैठे थे 2020 के लिए, तो क्या आशा भोसले, हेमा मालिनी, पूनम धीलन, उदित नारायण एंड TS नगबरना। राइट तो ये लोग बैठे थे जूरी मेंबर्स थे और उन्होंने आशा पारेख जी को सिलेक्ट किया है बराबर। अगर मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करूँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो 1969 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिकग्नाइज तो दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, इसके लिए उनकी याद के अंदर 1969 से हम ये अवार्ड देते हैं बराबर हर साल।
इन 1913 दादा साहेब फाल्के उन्होंने डायरेक्ट किया था राजा हरिश्चंद्र, इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म, इंडिया की जो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, बराबर ना, वो किनके द्वारा डायरेक्ट की गई थी, दादा साहेब फाल्के के द्वारा। द अवार्ड ऑनर्स द आर्टिस्ट हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा, जो आर्टिस्ट ने इंडियन सिनेमा के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, बराबर। उसके अलावा अगर मैं प्राइज मनी की बात करूँ तो प्राइज मनी के अंदर 10 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, बराबर ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंदर प्राइज मनी कितनी मिलती है, 10 लाख रुपीज़, बराबर ना। अगर मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूँ 2019 का किसको मिला था, तो रजनीकांत जी को मिला था 2001, राइट, और वो उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 2021 के अंदर, बराबर ना। ओके, कि देविका रानी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 विच वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 1970, बराबर ना। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूँ तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री है कि कब से दिया जाता है, 1969 से, बराबर। उसके अलावा ये किनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के जिन्होंने इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया था 1913 के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे प्राइज मनी कितनी दी जाती है, 10 लाख रुपीज़, बराबर। उसके अलावा जो लास्ट एडिशन था 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, रजनीकांत जी को, बराबर। उसके अलावा जो सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, तो देविका रानी को, बराबर ना। ओके, अगर मैं अदर अवार्ड्स के बारे में बात करूँ, बराबर ना, तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग द स्पोर्ट्स और एडवेंचर फिल्म कैटेगरी के अंदर विलिंग द बॉल ये फिल्म को अवार्ड मिला है, जिनको डायरेक्ट किया गया था मुकेश शर्मा एंड प्रोड्यूस बाय द फिल्म डिवीजन, बराबर। उसके अलावा बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म के अंदर बात करें तो पाबुंग श्याम, जो डायरेक्ट किया गया था हाउबाम पवन कुमार एंड प्रोड्यूस बाय द फिल्म डिवीजन, बराबर ना। तो ये दोनों फिल्म को ये एडवेंचर फिल्म कैटेगरी के अंदर, ये बायोलॉजिकल फिल्म बायोग्राफिकल फिल्म कैटेगरी के अंदर, बराबर ना, ये दो फिल्म को यहाँ पे अवार्ड मिला है, बराबर ना। जो लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंपॉर्टेंट है, और ये नेशनल अवार्ड्स कौन सा था, 68 था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके, यस, ये जो अवार्ड है, बराबर ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो देते हैं, लेकिन ये अवार्ड, ये जो पूरी सेरेमनी है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करो तो उनके इंडियन मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, एल मुरुगन। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया है स्वच्छ भारत दिवस 2022, राइट। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो आपको पता ही है कि हमने 2014 ये दिन के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन, और ये स्वच्छ भारत मिशन के दो पार्ट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करूँ तो वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में है, बराबर ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है स्वच्छ भारत दिवस 2022। तो उन्होंने इस इवेंट के दौरान क्या क्या अनाउंस किया, तो सबसे पहले तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अनाउंस किया गया। उसके अलावा जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हर एक घर के अंदर नल में से पीने लायक पानी आना चाहिए, फाइनेंशियल 2024 तक, बराबर, हर एक घर के अंदर नल में से पीने लायक पानी आना चाहिए, ऐसा जल जीवन मिशन का टारगेट है। तो ये जल जीवन मिशन को भी कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल जीवन मिशन के अंदर किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसके रिगार्डिंग अवार्ड्स दिए गए हैं इस इवेंट के दौरान। उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अवार्ड्स दिए गए हैं इस इवेंट के दौरान, राइट। ओके, और उसके अलावा आपको अभी पता ही है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन जो जब पहली बार लॉन्च किया गया था तब उसको फेज़ 1 बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फेज़ 1, जो 2014 से लेकर 2019 तक था, बराबर ना। फिर 2019 से फेज़ 2 चालू हुआ है। अभी फेज़ 1 के अंदर क्या करना था, फेज़ 1 के अंदर आपको करना था कि भाई ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, मतलब हर एक विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कोई भी
गांव के अंदर खुले में शौच करता नहीं होना चाहिए। तो ये 2014 से लेकर 2019 के अंदर ये तो अचीव हो गया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के अंदर क्या करना है कि जो हमने फेज वन के अंदर अचीव किया है उसको सस्टेन करना है। इसको बोलते हैं ODF प्लस, बराबर ना, राइट। कि जो हमने अचीव किया है उसको सस्टेन करना है, उसके अलावा हमको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना है, तो उसको बोलते हैं ODF प्लस स्टेटस, बराबर ना। तो अलग अलग गांव लेवल के अंदर, बराबर विलेज लेवल के अंदर, ये ODF प्लस स्टेटस को अचीव करने में कितना प्रोग्रेशन हुआ, इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अनाउंस किया गया। और उसके अलावा जल जीवन मिशन के अंदर अलग अलग गांव ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो उसके लिए ये जल जीवन मिशन फंक्शनलिटी असेसमेंट अवार्ड दिए गए। ओके, अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अवार्ड्स की बात करूं, तो लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर, लार्ज स्टेट किसको बोलते हैं कि जिसमें पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें सबसे अच्छा कौन से स्टेट के गांवों ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे, तेलंगाना सेकंड नंबर पे, हरियाणा और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँ, तो द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर 2022 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो भिवानी कहाँ का है, हरियाणा का, जागतियल तेलंगाना का, और निज़ामाबाद तेलंगाना का। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी की बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करवाने में, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड थर्ड नंबर पे सिक्किम। यहाँ पे स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों कंबाइन है, बराबर ना। तो ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट आपको टॉप के तो याद रखने ही पड़ेंगे, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंदर क्या क्या किया गया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि इट एस्पायर्स टू कैरी आउट अ रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन देयर अकम्प्लिशमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू। जिस पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे असेसमेंट किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के दौरान, राइट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू की बात करूँ तो वो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज वन 2014 से लेकर 2019 तक था, लेकिन फेज टू कब चालू हुआ, 2020 से, राइट। और उसमें आपको क्या अचीव करना है, ODF प्लस। तो ODF प्लस क्या है कि जो आपको ODF जो आपने अचीव किया है फेज वन के अंदर, आपको उसको सस्टेन करना है, उसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, सिंपल, बराबर ना। तो ये तो हमने बात करी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, बराबर ना। लेकिन अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूँ, तो जल जीवन मिशन का असेसमेंट किया ना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, तो उसमें मोर देन 60% टैप वाटर कवरेज कैटेगरी, कि जहाँ जो स्टेट्स के अंदर मोर देन 60% टैप वाटर कवरेज हो गया है, तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया, तो पुडुचेरी और गोवा, बराबर ना। उसके अलावा जहाँ पे लेस देन 60% टैप वाटर कनेक्टिविटी हुआ, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है, तो क्या तमिलनाडु और मेघालय ने, बराबर ना, तमिलनाडु और मेघालय ने। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, तो ये जो जल जीवन मिशन का जो फंक्शनलिटी असेसमेंट है वो 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट किया है पीएम मोदी जी के द्वारा, राइट ना, विद द गोल ऑफ द प्रोवाइडिंग द टैप वाटर कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, बराबर। 2024 तक हर एक गांव के घर के अंदर नल में से पीने लायक पानी आए, ऐसा जल जीवन मिशन का टारगेट है, राइट। और ये फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसा कनेक्शन होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो क्या सप्लाई ऑफ द एडिक्वेट वाटर, सप्लाई ऑफ द वाटर पोर्टेबल वाटर प्रिस्क्राइब क्वालिटी, सप्लाई ऑफ द वाटर ऑन द रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन आए उसके बाद अपने बुक के अंदर नोट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे दिन ना आए, बराबर ना, रेगुलर बेसिस के ऊपर आना चाहिए। ओके, उसके लिए ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, स्वच्छता ही सेवा 2022 कैंपेन। कि स्वच्छता ही सेवा इज अ फोर्टनाइटली कैंपेन विच इज़ हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम द सितंबर 15 टू अक्टूबर 2 फॉर द श्रमदान एक्टिविटीज एम एट जनरेटिंग द जन आंदोलन थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बराबर ना। द स्टेट्स एंड यूनिटरीज दैट कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड द मोस्ट एक्टिविटीज वेयर सिलेक्टेड एज अ विनर्स, राइट। तो यहाँ पे हर साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा एक कैंपेन लॉन्च किया जाता है,
जहाँ पे जन आंदोलन को प्रमोट पार्टिसिपेशन किया जाता है कि मतलब जो स्टेट्स और यूनिटेड स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी स्वच्छता से रिलेटेड, फिर उनको विनर्स अनाउंस किया जाता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं हर घर जल स्टेट्स और यूनिटेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश रिसीव अ स्पेशल डिस्टिंक्शन फॉर द बींग द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। फर्स्ट हर घर जल, जहाँ पे हर एक घर के अंदर पीने लायक पानी आता है, तो फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन सा है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश, बराबर ना। अगर मैं सुजलाम 1.0 और 2.0 की बात करूँ तो सुजलाम वॉज अ 100-day कैंपेन टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर इन टू द विलेज पॉन्ड एंड मैनेज ग्रे वाटर थ्रू द सोक पिट्स, लीच पिट्स एंड द मैजिक पिट्स, बराबर ना। तो सुजलाम के अंदर क्या था कि भाई जो आपका वेस्ट वाटर है ना, आप उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से आपको उसको रिसाइकल करते हो, आप किस तरीके से उसको डिस्चार्ज करते हो। तो सुजलाम 1.0 और 2.0, तो यहाँ पे उन जो स्टेट्स के द्वारा ये सुजलाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, उनको भी अवार्ड दिया गया है कि जिन्होंने वेस्ट वाटर को अच्छी तरीके से डिस्चार्ज किया है, उसी तरीके से रिसाइकल भी किया है। तो अगर मैं सुजलाम 1.0 की बात करूँ तो सुजलाम 1.0 अवार्डी स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सुजलाम 2.0 अवार्डी स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, बराबर ना, कर्नाटका। तो आपको जस्ट ये स्टेटिक फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करूँ तो इंडियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टुडू, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर स्वच्छ भारत दिवस किसने सेलिब्रेट किया, कौन कौन से अवार्ड्स किन कौन किन को दिए गए और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सभी स्कीम्स का बराबर में आपको पता होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया ने सेलिब्रेट किया अभी 8 ईयर्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन एंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इन 2022। जैसे हमने लास्ट न्यूज़ के अंदर अभी बात की कि स्वच्छ भारत मिशन के दो पार्ट हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो हमने जो लास्ट न्यूज़ के अंदर बात की वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से रिलेटेड थे। बराबर, दोनों लॉन्च तो एक ही दिन किए गए थे तो उनका भी 8 साल कम्प्लीट हो गया था, और अभी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में बात करते हैं तो वो भी अपनी 8 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, राइट। तो द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ने अभी प्रिसाइड किया अभी 8th anniversary ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन एंड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 विच वेयर ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट, और कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके दो पार्ट हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, राइट। तो यहाँ पे जैसे ग्रामीण के फेज़ वन और फेज़ टू थे, उसी तरीके से अर्बन के भी फेज़ वन और फेज़ टू है, बराबर ना। और अर्बन फेज़ टू के 2.0 का भी उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, बराबर ना, राइट। तो वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, बराबर ना। तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो उसका सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। और एक किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, राइट। तो अर्बन को कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ग्रामीण को कौन इंप्लीमेंट करवा है? जल शक्ति। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूँ तो पीएम मोदी ने अनवील किया था फर्स्ट फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, एक नेशन वाइड कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब अनवील किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, बराबर ना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो कि 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, बराबर ना, एश्योरिंग द 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिहेवियर चेंजेस थ्रू द जन आंदोलन इन ऑल स्टेट्यूटरी टाउन्स बाय द 2 अक्टूबर 2019। अगर मैं फेस वन की बात करूँ तो फेस वन का इतना ऑब्जेक्टिव था कि हर एक गांव के अंदर 100%, हर एक शहर ग्रामीण के अंदर गांव और डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी तक, लेकिन अर्बन के अंदर सिटीज़ के अंदर तो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होना चाहिए। उसके अलावा 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके अलावा सबका बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, बराबर ना, कब तक? 2019 तक, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वॉज एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2021 टू 1 अक्टूबर 2026, बराबर ना, एस अ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको एक्सटेंड किया गया 5 साल के लिए, 2021 से लेकर 2026 तक। उसका नाम क्या रखा गया? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, बराबर ना। तो इसकी अभी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करूं तो
ये 2021 के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया 5 साल के लिए, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बराबर ना। उसका एम क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, राइट, बाई मेकिंग द ऑल सिटीज गार्बेज फ्री अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का टारगेट क्या है कि भाई हर एक सिटी को गार्बेज फ्री बनाया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 जो अचीव करने हैं हमको 17 गोल्स, तो उसमें हम एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन ये स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जितना भी पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा दे पाए, सिंपल, बराबर ना। तो जिस तरीके से हमने स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण देखा था, तो उसी तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन का भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अगर मैं बात करूँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश द सिटी ऑफ द लेक्स एंड द पैलेसेस वॉज नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया फॉर द 6th ईयर इन द रो, बराबर ना। तो अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करूँ और उसमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है, उसका रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश जो सिटी ऑफ द लेक्स और पैलेसेस जो मानी जाती है, वो क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया इसको अनाउंस किया गया है, बराबर ना। और लास्ट 6 साल से वो कंटिन्यूसली फर्स्ट नंबर पे आती है, बराबर ना। सूरत वॉज नेम एज अ सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो, एंड नवी मुंबई वॉज नेम द थर्ड, बराबर ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं कैटेगरी ऑफ द लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन की बात करूँ, तो पंचगिनी इन द करण फ्रॉम द महाराष्ट्र वन द फर्स्ट एंड द थर्ड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली, और जो सेकंड स्पॉट है वो पाटन फ्रॉम द छत्तीसगढ़, बराबर ना, उसको मिला है, राइट। तिरुपति इन द आंध्र प्रदेश वॉज नेम द बेस्ट सिटी इन द सफाई मित्र सुरक्षा। सफाई मित्र सुरक्षा मतलब ये जो गटर वगैरह जो साफ करते हैं ना, बराबर, तो वो यहाँ पे उन लोगों ने मैक्सिमम उनके काम को मेकेनाइज कर दिया है, बराबर ना, उन लोगों को मशीन्स प्रोवाइड किए हैं। तो सफाई मित्र सुरक्षा के अंदर बेस्ट सिटी कौन सी बनी है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश, बराबर ना। हरिद्वार इन द उत्तराखंड वॉज नेम इज अ बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटीज, और उसके अलावा जो शिवमोगा इन द कर्नाटका वो डेसिंग द फास्ट मूविंग सिटी, बराबर ना, फास्ट मूविंग सिटी। तो ये सभी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, स्टेटिक फैक्ट्स, बराबर ना। इंदौर ने उसकी जो पोजीशन है, बराबर ना, वो और मजबूत कर ली है क्लीनेस्ट सिटी की बाय बिकमिंग द फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। इंदौर लास्ट 6 साल से भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है, बराबर ना, और उसने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है क्योंकि वो पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बना है, राइट। 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के अंदर सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति है, राइट। तो पहला 7 स्टार कौन सा बना है? इंदौर, ओके। अगर मैं मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज की कैटेगरी के अंदर बात करूँ, तो मध्य प्रदेश वन द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट। क्लीनेस्ट स्टेट की अगर बात करें और जहाँ पे मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज है, तो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ विच हेल्ड द क्लीनेस्ट स्टेट टाइटल फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स, बराबर ना, तो उसका भी टाइटल किसने ले लिया है? मध्य प्रदेश ने, बराबर ना, राइट। और महाराष्ट्र वॉज रैंक इज द थर्ड क्लीनेस्ट स्टेट, बराबर ना। तो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, बराबर। अगर मैं लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज की बात करूँ, तो त्रिपुरा सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उसको, बराबर ना। झारखंड जो प्रीवियस 2 साल से, बराबर ना, वो पहले प्राइस पे रहता था, वो सेकंड प्लेस पे आ गया है, और थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड, ओके। तो लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर त्रिपुरा, सेकंड नंबर पे झारखंड और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड, बराबर ना, ओके। अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करूँ, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है मध्य प्रदेश, क्योंकि उसका एक सिटी इंदौर भी सबसे क्लीन आया है और वो स्टेट वाइज भी फर्स्ट नंबर पे है, ओके। तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करूँ, तो इन्हें मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कौशल किशोर, राइट। तो ये उनके स्टैटिक फैक्ट्स है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।